ये शाम ना बहुत सुहानी थी। यहाँ पर पहुँचने में मुश्किल तो बहुत हुई, पर यही तो सरफिरों की कहानी थी। जैसे जैसे हम काजा की ओर बढ़ रहे हैं ना आगे को, वैसे वैसे ना रोड के साइड जो है ना स्नो, ये देख रहे हैं आप, ज़्यादा होती जा रही है। हाँ आगे घोड़े का रास्ता ब्लॉक है। अभी हम आए हैं नीचे से, आए पू से। अच्छा अच्छा वहाँ केयरफुल जाना, ऊपर ज़्यादा आपने ध्यान देना ना। हाँ जी ना, बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है यहाँ पे गाड़ी, ये आगे वाली इनोवा ना बहुत तकड़े वाले टायर स्किट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती रहेगी ना हमारे लिए, तो और वैसे भी बहुत मुश्किल होगा ये। पीछे थोड़ा पीछे, ये तो जितना सोचा था ना उससे भी एक्सट्रीम हो गया भाई। Finally, boys, we did it. Welcome to Tavo Village. और भाई पूरा एकदम बर्फ ही बर्फ भाया, और सबसे अच्छी बात है कि धूप ना आ गई है, बादल थे अभी और अभी धूप आ गई है। तावो बचा है यहाँ से 1 किलोमीटर, और ये इस धूप की वजह से जो खुशी है ना मन में भाई, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत हौसला मिलता है भाई लोगों, बहुत हौसला। अगर थोड़ी धूप ही रहे ना, बंदा काफ़ी कवर कर लेता है तब भी भैया। और भाई ये नज़ारा देख लो सारा का सारा तावो का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है विंटर का ये तावो। और आई थिंक ये सेब के जो बगीचे हैं ना, उनके बीच जो बर्फ़ गिरी पड़ी है ना, ये इनके लिए पूरा सोने का काम करेगी भाई। और एक्चुअली अपनी बाइक की चेन भी हल्की लूज़ हो गई है, थोड़ा यहाँ पे अगर मिल जाएगा ना कोई भैया मैकेनिक तो टाइट करवाएंगे चेन को। और काजा बचा है यहाँ से 46 किलोमीटर, और भाई 100 किलोमीटर है यहाँ से, और 200 किलोमीटर है रोहतांग टॉप। भाई देख लो आप एक बार अच्छे से भाई साहब, किब्बर विलेज 66, कुंजम टॉप 181। फाइनली रवि भाई पहुँच चुके हैं तावो में, यस। यहाँ नहीं है वो पीछे रह गया, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं आई थी, हम रुके थे फोटो के लिए उसके अंदर को बर्फ़ के, जहाँ मंदिर था ना माता दुर्गा का, उससे अंदर जाके गाड़ी आई, चलो आगे चलो। एक्चुअली रवि भाई बोल रहे थे मम्मी, बट उस साइड को भाई साहब स्नो इतनी भयंकर थी। हाँ क्या बोल रहे, ये देख लो तावो, विंटर तावो। भैया नमस्कार, भैया झूले, यहाँ पे बाइक की चेन टाइट होगी कहीं? बाइक का चेन कहाँ? ये रो, अब आगे कहीं तावो काजा होगा, बंद है आजकल रोड, ठीक है काजा के लिए? तो बर्फ तो नहीं है ना कहीं? हाँ बाकी बर्फ तो नहीं है ना रोड पे? अच्छा थैंक यू भैया। तो भैया बोल रहे थे मौसम गर्म है इनके लिए, मौसम गर्म है। ओ भाई साहब ये मौसम गर्म है, कुल्फ़ी जमा देने वाला। ये देखो कुल्फ़ी क्या, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जमी पड़ी है तावो में, और भैया कह रहे हैं मौसम ना गर्म है। चलो अपना अपना लेबर रहता है ना सभी का ठंड सहने का भी, तो यहाँ के लोगों का आदत हो गई है इतनी ज़्यादा ठंड में रहने की, तो उनको ये नॉर्मल है, आज गर्म है मौसम। रोड क्लियर है, सब सही है भाई। ये देखो गाड़ी, देखो भाई
भाई गजब। चलो फिर बढ़ते हैं फटाफट से आगे काजा की ओर। जैसे जैसे हम काजा की ओर बढ़ रहे हैं ना आगे को, वैसे वैसे ना रोड के साइड जो है ना स्नो, ये देख रहे हैं आप, ज़्यादा होती जा रही है भाई साहब। बट रोड क्लियर है यार, ये बहुत सही बात है। और ठंड तो पूछो मत भाई, नेक्स्ट लेवल की। बट ये फीलिंग जो है ना, ये बाइकर ही समझ सकता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके एक बार बता देना यार। ओह देख लो आगे, अभी हम आए हैं नीचे से, आए पू से। हाँ जी अच्छा, आप कहाँ आगे जा रहे हैं? काजा अच्छा अच्छा, आगे रोड ठीक है, आगे बाजू तो ठीक है। अच्छा सुबह हम लोग आए हैं ना। अच्छा सुबह आए थे। हाँ जी निकल जाओ, क्या पता गणेशा थोड़ा साइड से निकल जाए। हाँ जी अच्छा अच्छा, वहाँ केयरफुली जाना, ऊपर ज्यादा आपने ध्यान देना ना। हाँ जी, यहाँ से मे भी होगा कोई चार पाँच किलोमीटर आगे। आप आगे गए थे? हम नहीं गए, हमारे को आगे से मैसेज आ गया ना, तब हम यहाँ रुके हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आपको शायद स्पोर्ट्स में गाड़ियाँ मिलेगी खड़ी हुई ना। हाँ साइड से निकलने को होगी तो निकल जाएंगे ना। हाँ चलो भाई, ये कहाँ से आवाज़, कहाँ माइक में आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये फोन में लगा। अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय बाय। हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ निकल जाएगी वाला साइड से। हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी बोला, साइड से थोड़ी जगह है बाइक निकलने लायक। काजा काजा 35। हाँ हाँ ठीक 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 ओके थैंक यू भैया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलो, ये HP 11 अर्की का नंबर है ना। हाँ हाँ अच्छा, आज सुबह अच्छा, हम भी नीचे से आए स्पीलो से। हाँ चलो फिर अच्छा 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 चलो, हाँ जाते आगे हम। अच्छा ठीक है थैंक यू भैया। एक्चुअली क्या हुआ कि आगे ग्लेशियर आया हुआ है, ये धूप की वजह से ना, एक्चुअली ये धूप की वजह से ना जो बर्फ़ पिघलती है ना, तो एकदम से कोई बड़ा ग्लेशियर टूट के नीचे रोड पे आ गया है, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे। हाँ बोला खुला है साइड से, थोड़ा बाइकें निकल जाएंगी, गाड़ियाँ नहीं निकल रही बाइकें निकल जा रही। एक्चुअल में हमें चल के ही भलाई है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती रहेगी ना, अभी 4 बजे हैं, तो जैसे जैसे शाम होती रहेगी तो ठंड का लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा भाई, तो हमें चल के ही फ़ायदा है। वहाँ चल के देखते हैं, साइड से वो कह रहे हैं बाइक्स निकल जाएंगी, थोड़ा ध्यान से जाना, तो चलो देखते हैं चल के। और काजा बचा है यहाँ से 35 किलोमीटर। जय शिव शंभु। भाई साहब क्या सही लग रहा है नज़ारा, है ना एक नंबर। ये भाई लोगों विंटर स्पीति का ये व्यू अमेजिंग ना भाई साहब, आप सब देख रहे हैं ये राणा मोड़ो वर्ल्ड पे भाई नज़ारा आगे का क्या ही सही लग रहा है भाई, एकदम फुल पैसा वसूल है। और ये जो फीलिंग होती है ना, एक राइडर एक बाइकर ही समझ सकता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यार
ठंड इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब एकदम से वो कहते हैं ना थोड़ा कंट्रोल करके, थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन रहता है तो थोड़ा इंजॉय करो आप इन खूबसूरत से व्यूज़ को यार। बट सच में जो मैं देख पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ना, क्या पता कैमरे में आपको उतना फील हो पा रहा है, वो चीज़ आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो मेरे साथ कि नहीं। बट मेरी फुल कोशिश है कि आप ना घर बैठ के ही इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा सके, विंटर स्पीति के इन व्यूज़ को इंजॉय कर सकें यार। किसी ने बना डाला स्नो का पहाड़ रे, देख रहे हैं ये, आप देख रहे हैं कितनी स्लोप के ऊपर स्नो गिरी पड़ी है, मतलब हल्की सी धूप पड़ी ना ये सारी की सारी रोड पे आ जाएगी सारी, और ये ना रोड को बंद कर सकती है कभी भी। तो ऐसी जगहों पे ना रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी भी धूप पड़ी ना इनके ऊपर तो ये एकदम से फिसल के नीचे आ सकती है, क्योंकि एकदम स्लोप के ऊपर है, खड़ी स्लोप के ऊपर। और अब थोड़ा इस साइड को ना सन, वो दूसरी साइड है, हमें थोड़ा आगे तक क्रॉस करना होगा धूप में आने के लिए। भाई साहब स्लश देख लो यहाँ पे, पानी का ना पूरी स्नो पिघल के रोड पे आ गई है, और स्लश ना एक नंबर है यहाँ पर तो। भैया जी देख रहे हैं आप, भैया जी बस धीरे धीरे करके ना क्रॉस करे जा रहे हैं। एक्चुअली जैसे ही धूप दूसरी साइड गई है ना यहाँ से, तो ठंड भी ना हल्की हल्की बढ़ना शुरू हो गई है, बस वही मेन दिक्कत वाला पॉइंट है, बाकी तो चलो स्लश तो हम धीरे धीरे क्लियर कर ही देंगे। गाड़ी बिल्कुल गियर में रखी है देख ले आप, यहाँ पे ना ब्रेक ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम स्लिपरी हुआ पड़ा है रोड। क्या बोल रहे भाई, बंद है भाई लोग? ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऊपर से ग्लेशियर आया, ये देख रहे हैं भाई साहब। एक्चुअल में सारी गाड़ियाँ ना बैक करने लगे हैं, क्योंकि देख पा रहे हैं आगे अभी भी जाम लगा पड़ा है, और अपने GoPro की बैटरी ना डेड होने वाली है अभी यार, और अभी भी काजा ना यहाँ से 30 किलोमीटर। साहब ये देख रहे हैं आगे रोड की कंडीशन, ओ भाई तबाही है, ये चल रही विंटर स्पीडी एक्सपेडिशन। भाई साहब ये देख रहे हैं आप, गाड़ी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है पूरी स्नो में, देख लो ये देखो। आराम से चढ़ानी चाहिए इनको गाड़ी, फर्स्ट गियर में ना यहाँ ऊपर से, ये देखो निकल गई फाइनली यार। अब ऐसे टूटा ना कुछ ना, ना बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है यहाँ पे गाड़ी, ये आगे वाली इनोवा ना
अभी बहुत तगड़े वाले टायर स्किड कर रहे हैं यहाँ पे। वापिस ले क्या रहे वो भैया मेरी बाइक को रवि भाई क्या करना वापसी चले एक्चुअली में ना हमें वापस निकलना पड़ेगा यहाँ से यार क्योंकि ये तो ठंड बढ़ रही है और ये बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। जैसे ठंड बढ़ती रहेगी ना हमारे लिए तो और वैसे भी बहुत मुश्किल होगा ये। और फाइनली गाड़ी निकल गई यार वो देखो भाई साहब बहुत रिस्की है। आराम से भाई आराम से फर्स्ट गियर में ले जाओ फर्स्ट गियर में आराम से एक्सीलरेट मत करो इतना जल्दी है मैं इतना एक्सीलरेट करोगे तो टायर स्किड नहीं हो गया वो कहाँ जाएगा ये तो फंसे गई ए भाई आराम से सीधा लेके जाना भाई देखना बाइक जा 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 थोड़ा सा काट दो हाँ काट दो जान दो सीधा करो सीधा पीछे थोड़ा पीछे ओ भाई साहब फाइनली भाई यहाँ से तो हाय राम विंटर स्पीति एक्सपेंडिचर भाई साहब ये बवंडर देख लो ओ माय गॉड ये तो जितना सोचा था ना उससे भी एक्सट्रीम हो गया भाई। तो भैया अभी हम सिजलिंग में और यहाँ का सराउंडिंग का व्यू देख लो आप भाई और यहीं रुकने का प्लान बन रहा है क्योंकि यहाँ पे वेदर का मिजाज भी चेंज हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम हैं अभी डोलमा होम स्टे सिचलिंग और यहीं पे अपना आज रात का स्टे होगा अंकल के पास। अंकल जी स्माइल ये है अंकल जी हमारे डोलमा होम स्टे वाले और ये है सिजलिंग में। वेलकम जी वेलकम डोलमा होम स्टे ये बात तो भाई लोगों फाइनली वी आर एट ए सिजलिंग और यहाँ पे रुके हैं डोलमा होम स्टे में क्योंकि एक्चुअल में बवंडर देख लो भाई और टाइम हो रहे हैं 6 बज रहे हैं और ऐसी कंडीशन में आगे काजा जाना इम्पॉसिबल भाई। बट ये काजा से कम नहीं है भाई ये स्पीति है ये देखो आप। तो फाइनली भाई लोगों अभी पहुंच चुके थे हम स्पीति में एंटर कर लिया था हमने सुमदो क्रॉस करा बॉर्डर उसके बाद सुमदो के बाद आगे तावो फिर आगे अभी काजा जाने का प्लान था बट काजा नहीं हो पाया क्योंकि हल्की हल्की बाहर ना स्नोफॉल शुरू हो गया है और स्नोफॉल में इतनी ठंड में बाइक ड्राइव करना एक्चुअल में पीछे जहाँ पे जाम लग रखा था ना वहाँ पे हमारे 1.5 से 2 घंटे ख़राब हो गए और नहीं तो अभी तक तो हम आराम से काजा पहुँच जाते बट रहता है जैसा कंडीशंस हैं आपको उसी हिसाब से डालना पड़ता है। और ये रवि भैया भी हैं हमारे साथ उनका भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ठंड भाई ठंड नहीं खा सकते आए ठंड खाने हैं ऐसा भी नहीं बट उतनी खा लो कि कल को आप उठ ही ना पाओ तो वो भी एक गलत चीज़ हो जाती है। तो यहाँ हम गुजर रहे थे यहाँ सिजलिंग में तो अभी यहाँ से काजा है 20 किलोमीटर के अराउंड और अंकल ने कहा अगर आप अंकल से पहले भी बात हो रखी थी उनका होम स्टे काजा में भी है बट अंकल बोलते यहीं रुको आप और सेम फीलिंग आपको काजा वाली यहाँ पर भी मिलेगी और यहीं पर जो ड्रोन शॉट है ना वो भी आपने एंजॉय किए होंगे यार बहुत सही लग रहा था ये विंटर स्पीति का एक्सपीरियंस ना नेक्स्ट लेवल का था। होप फॉर द बेस्ट कि आप सबको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करना मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो यार इन वीडियोस को अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ। और एक्चुअल में कल सुबह यहाँ के सराउंडिंग का पूरा दिखाएंगे आपको क्या क्या रहेगा कुछ प्लान नहीं है कल सुबह का बिल्कुल ब्लैंक है बट कल भी विंटर स्पीति की ये सफ़र जारी रहेगा और जो अच्छे अच्छे शॉट बीच में कुछ कैप्चर नहीं कर पाए वो कल आपको दिखाएंगे तो बने रहना और इस वीडियो करते हैं यहीं पर क्लोज। बाय बाय दोस्तों।